हाय, इस वीकेंड मैं, स्नेहा, रोहन और जुबिन एक कैंप के लिए जा रहे हैं। हम पिछले साल भी वही जगह गए थे। वहाँ एक क्लिफ है एंड क्लिफ पे काफ़ी टेंट्स लगे हुए हैं एंड क्लिफ के आगे एक स्ट्रेट ड्रॉप है। तो जैसे ही आप सुबह सुबह टेंट से बाहर निकलो, सामने सिर्फ फॉग होता है एंड जैसे ही फॉग क्लियर होता है, स्ट्रेट वैली दिखाई देती है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो वहाँ पर कैसे होता है, जो टेंट होता है वो आपको खुद अरेंज करना होता है, स्लीपिंग बैग वगैरह सब खुद लाना होता है, तो वो सब सेटअप करके आप आराम से रह सकते हो एंड खाना भी खुद ही अरेंज करना होता है। तो लास्ट टाइम हम चिप्स, वेफर्स, बिस्किट्स, इस टाइप की चीज़ें ले गए थे, लेकिन वो सेम पैक्ड फूड 3 दिन तक खाते खाते बहुत बोर हो गए थे। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग वहाँ जाके खुद कुछ खाना कुक करके बनाएं। तो खाना बनाने के लिए स्टोव या वुड फायर की जगह मैंने सोचा, सिंस वहाँ पे ऑलरेडी इतनी धूप आती है, तो क्यों ना एक छोटा सा सोलर कुकर बना लूँ। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इक्वेटर के बहुत पास है। यहाँ पे 270 डेज तक ऑन एन एवरेज क्लीन सनलाइट आती है, तो सोलर कुकर एक्चुअली सबके घरों में लगा होना चाहिए। तो कैंपिंग के लिए हमारी साइकिल रेडी हो गई, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। और अब बनाना शुरू करते हैं हमारा सोलर कुकर। बनाने से पहले आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम समझे कि एक सोलर कुकर काम कैसे करता है। लेट मी शो यू। सोलर कुकर में एक मेन बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर एक ब्लैक कपड़े या ब्लैक पेंट की कोटिंग होती है। ब्लैक इसलिए क्योंकि वो हीट को अब्सॉर्ब करके रिटेन करता है। इसके अंदर एक वेसल होता है। इसमें हम हमारा खाना बनाएंगे और एक ग्लास का पीस होता है जो वेसल को टच नहीं करता है, उसके थोड़ा ऊपर होता है। इस पूरे सेटअप के साथ एक लिड होता है जिसपे एक रिफ्लेक्टिव मिरर लगा होता है। अब ये मिरर सन की रेस को बॉक्स के अंदर रिफ्लेक्ट कर देता है एंड ये जो लिड है वो एडजस्टेबल होता है, तो सन के एंगल के हिसाब से हम इसे ऐसे सेट करते हैं ताकि रेज इस पे बाउंस ऑफ होके सीधा बॉक्स के अंदर जाए। अब बॉक्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से सन अगर यहां पर है तो उसकी रेज गिरेंगी मिरर पर ऐसे, तो सन की रेज रिफ्लेक्ट होके बॉक्स के अंदर चली जाती है। तो सन की रेस से इस चेंबर के अंदर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है एंड सिंस यहाँ पे एक ब्लैक कोटिंग है वो उस हीट को रिटेन कर लेता है, तो उस गर्मी से ये खाना पक जाता है। तो चलो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके बॉक्स के लिए मेरे पास दादाजी का एक पुराना सा टूल बॉक्स। Safely kept, मैं दादाजी का टूल बॉक्स यूज कर सकता हूं। हाँ, अब इस बॉक्स को काट के हम ये वाला बॉक्स बनाएंगे। एक्चुअली काटने की जरूरत नहीं है, इसका साइज ठीक है, थोड़ा छोटा बनेगा लेकिन चला लेंगे। रोहन और जुबिन को खाना नहीं देंगे नहीं, मतलब दो शिफ्ट में खाना बना देंगे, सेकेंड शिफ्ट में रोहन और जुबिन के लिए खाना बन जाएगा। ओके, ये डब्बा थोड़ा गंदा है, इसे साफ कर लेते हैं। तो मुझे चाहिए थिनर। अब थिनर क्या होता है,
Thinner is scientifically formulated for use with nitrocellulose paints, lacquers, and undercoats to get maximum results. It can, I think, khali saaf karne ke liye use hota hai. Aur paint jab kafi thick hota hai, to thinner jo iska naam hai, wo paint ko thin karne ka kaam karta hai. To isi se dabbe ko saaf kar lete hain. Ek kapda bhi chahiye hoga. Also, thinner ki bottle ko कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ये सारा इवेपोरेट हो जाता है. सी, कितना कचरा था इसमें. अब इसमें खाना बनेगा तो इसे प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा. वाव, अब ये क्लीन हो गया, अब इसमें खाना बन सकता है. ओके, तो अब इसमें एक ब्लैक कपड़ा लगा देते हैं. ब्लैक कपड़ा, 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 कपड़ा तो शायद नहीं होगा मेरे पास, तो कपड़ा मैं घर से लेके आता हूँ. एंड इसके लिए एक डिश भी ले आता हूँ. टिल देन टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक.